हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल विशुज ऑप्शन सेंटर में। तो फ्रेंड, एक नोटिफिकेशन निकल के आया थी फ्रेंड आपका गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से। यह जो वैकेंसी फ्रेंड आपका डायरेक्टरेट DTE की तरफ वैकेंसी है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आसाम, जो वैकेंसी निकल के आई फ्रेंड आपका गुवाहाटी की तरफ से। एडविटेशन नंबर देख लीजिए फ्रेंड 06220। तो रिक्रूटमेंट फॉर 5 न्यूअर्स एस्टेब्लिश पॉलिनिक्स बोला गया है इसमें। तो 5 जो है न्यूएस्ट इस्टेब्लिशमेंट करना है, जिसमें आपको वैकेंसी जो निकल के आती है फ्रेंड आपका पियोन चौकीदार, ठीक है। वर्कशॉप जो वैकेंसी निकलती है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10 8 पास। इनमें सैलरी जो मिलने वाली फ्रेंड आपको इन हैंड 12,000 पर मंथ। उसमें ग्रेड पेड जो रखा फ्रेंड 3900। इसमें जो वैकेंसी है फ्रेंड, इसमें देख लीजिए 11 11 11 11 वैकेंसी रखी गई है। रिजर्वेशन के साथ साथ आपको जो है वैकेंसी रखी गई है। हाउ टू अप्लाई की बात करें फ्रेंड, तो सिंपली आपको जो है www.dte.assam.gov.in में जाकर फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन। इसका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया फ्रेंड आपका 29 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है आपका 20 मार्च तक फॉर्म फिलअप चलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपका जो एज होनी चाहिए फ्रेंड, एज जो है आपका 18 साल से 38 साल तक होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। 18 साल से 38 साल के बीच में आपका एज है तो आपका जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो रिटर्न टेस्ट के यहाँ शेड्यूल्ड बात करें फ्रेंड, एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड, तो एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है एज पर गवर्नमेंट रूल, तो यही इसमें लिखा गया था। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फ्रेंड, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा, सिलेक्शन विल बी अपलोडेड वेबसाइट। तो सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका रिटर्न टेस्ट ही होने वाली है। तो यही अपडेट थी, बड़ी अपडेट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड यही थी इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको दोबारा याद कराऊँ। 29 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 20 मार्च इसका जो है अंतिम डेट रहने वाली है, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक रहता है, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके। चैनल पर मेरे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।